नमस्ते हबीबी। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और आप सोचोगे यार इतने जल्दी जल्दी मैं क्यों उठाऊं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि हम पहली बार इस चैनल पर पहली बार दुबई के बाहर किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं इस चैनल पे। हम जा रहे हैं आर्मेनिया। इस देश में बहुत सारे लोगों ने आर्मेनिया के बारे में सुना नहीं होगा, भाई ये देश कौन सा है, कहाँ पे है, क्या है। तो इस पूरे सीरीज में आपको सब पता चलेगा कि आर्मेनिया का फूड कैसा है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसका हेरिटेज कैसा है, वहां पे इंडियंस को जाने के लिए कितना इजी है, और आपको कम पैसे में अगर यूरोप का फील लेना है तो ये कंट्री सबसे बेस्ट है। तो ये पूरी सीरीज और आज का वीडियो होने वाला है एकदम शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार। तो ज्यादा वक्त जाया नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। अभी है ना, हम बाहर आ गए, टैक्सी का वेट कर रहे हैं और पूरे रोड पे ना कोई भी नहीं है। बहुत रेयरली होता है दुबई में कि पूरे रोड पे कोई नहीं है, पूरी क्या बोलते हैं, पूरा सन्नाटा है। ऐसा जनरली होता नहीं दुबई में, लेकिन आज है क्योंकि मैं सुबह उठा हूँ। मेरे हिसाब से मैं भी पहली बार इतने जल्दी उठाऊँगा, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं हम एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे जाके बाकी की बातें करते हैं। चलिए, अभी हमारा बोर्डिंग पास भी मिल चुका है। अभी हम फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। फ्लाइट दुबई की फ्लाइट है, मुझे पता नहीं आपको आवाज़ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा आवाज़ है, तो पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो फाइनली अभी हम आर्मेनिया के अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही सबसे पहली बात हमने की कि हमने सिम कार्ड ले लिया, क्योंकि सिम कार्ड बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर किसी को कॉल करना है। तो हमने वो सिम कार्ड लिया $7 में। लगभग आपके लिए पूरी 10 GB का डेटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉल भी मिलते हैं। तो जब आप आते हो बीटल का, मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा, वो ज़रूर ले लेना। थैंक यू। तो अभी आर्मेनिया में हम हमारे होटल में आ गए हैं। होटल बहुत ही मतलब सुंदर है एकदम। ये देखो, ये बेड है, ये टीवी भी दिया है और शायद व्यू भी बहुत अच्छा है। देखते हैं व्यू कैसा है। अच्छा, व्यू भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक छोटा पार्क या कुछ तो है, उसका भी व्यू है। तो होटल ओवरऑल अच्छा होटल है। अभी हम सिटी के अंदर आ चुके हैं और हमारा होटल जो है वो एकदम सिटी सेंटर में है। तो अगर आप भी आर्मेनिया में आते हो तो जनरली अपना जो होटल है वो सिटी सेंटर के आसपास ही लेना, क्योंकि यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज या फिर रेस्टोरेंट्स या फिर हर चीज़ पास में है। तो आप ध्यान में रखना कि जब भी होटल बुक करोगे सिटी सेंटर के आसपास ही बुक करना। अभी हमें करेंसी एक्सचेंज करने के लिए जाना है और कुछ ब्रेकफास्ट जैसा भी हम कुछ खाएंगे या फिर ब्रंच करेंगे, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी हम लोग है ना एक सुपरमार्केट में आए। तो आप सुपरमार्केट में देखोगे ना तो सुपरमार्केट में बहुत सारी जगह पे ना जो लिकर होता है वो ओपनली बेच रहे हैं। मतलब जहाँ पे हमारे इधर कैसे होता है कि सुपरमार्केट में लिकर नहीं मिलता, अभी शायद महाराष्ट्र में वो देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बिंदास एकदम, मतलब सारे तरह के वाइन है, विस्की है या फिर वोडका है, हर चीज़ यहाँ पे है और वो एकदम इजीली अवेलेबल है और रेट भी शायद कम है। अभी मैं यहाँ के सुपरमार्केट में आया हूँ। यहाँ पे ये ट्यूबर्ग है, ओके, इसकी प्राइस है इनके आर्मेनियन रुपीस में 600, विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट $1। 70 रुपये में आपको ये बॉटल सुपरमार्केट में मिल जाएगी। तो कोई आर्मेनिया आ रहा है स्पेशली, उनके लिए बहुत सही है ये। अभी हमें एक अच्छा एक्सचेंज मिला है, रेट भी अच्छा दे रहे हैं। तो जनरली आप जब आओगे तो USD लेके आना, क्योंकि USD में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है और रेट भी अच्छा मिलता है। तो अभी मैं जाता हूँ करेंसी एक्सचेंज को और आपको दिखाता हूँ यहाँ के नोट्स कैसे होते हैं। एक रुपया मतलब इंडियन रुपीज़ की आप बात करोगे तो एक इंडियन रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू लगभग 6 से 7 आर्मेनियन ड्राम होगी। ये देखो, अभी ये 20,000 का नोट है, मतलब 20,000 का नोट अगर आपके पास इंडिया में होगा तो कितना उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी। लेकिन ये 20,000 का नोट है, ये 10,000 का नोट है, ये 1,000 का नोट है, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े करेंसी में नोट है। तो यहाँ पे आप आते हो ना तो USD लेके आओगे तो आपको अच्छा रेट भी मिलेगा और आपको इजीली उसका कन्वर्जन मिलेगा। अभी है ना हम लोग खाना खा के होटल पे आ चुके हैं।
खाने में तो वैसे इस रीजन में ना आपको ब्रेड के बहुत अलग अलग आइटम मिलेंगे। हमने अभी पिज़्ज़ा खाया, वो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब ऐसा पिज़्ज़ा मैंने बहुत सालों में नहीं खाया था। बहुत क्रिस्पी था और अंदर से चीज़ भी बहुत अच्छा से था, क्योंकि ये रीजन में ब्रेड चीज़ यही इनका मेन फूड है। तो पिज़्ज़ा और एक कच्चा पूरी करके आइटम था, वो भी अच्छा था। अभी नेक्स्ट टाइम अभी हम कल या परसों कहीं पर जाएंगे तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसके वजह से शायद हमने वो वीडियो नहीं बनाए। तो अभी हम हमारे होटल पे आ चुके हैं। अभी सुबह 4:30 से पहले से ही हम उठे हैं, तो अभी थोड़ी सी थकान है। तो अभी एक काम करते हैं, 2-3 घंटे रेस्ट करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं एक नई जगह पे। वो जगह ऐसी है ना, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि आर्मेनिया जैसे देश में एक टेम्पल होगा। जी हाँ, एक गार्नी टेम्पल करके एक जगह है। तो हमारा प्लान है कि आज 3 बजे के आसपास हम वहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गार्नी टेम्पल को, लेकिन गार्नी टेम्पल को जाने के पहले हमें बीच में एक ये चारट्स आर्क मिला। एक चारट्स नाम के यहाँ पे एक बहुत बड़े राइटर थे, पोइट थे, जिन्होंने यहाँ पे आर्मेनिया के रिलेटेड एक बहुत बड़ी पोइम लिखी थी। और जब ये सोवियत संघ का जब ये पार्ट था, वो टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने सोवियत यूनियन को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने वाली एक पोएम लिखी थी, और जिसके वजह से सोवियत यूनियन के जो लोग थे उन्होंने इस पोएट को जेल में डाल दिया। तो उसके उनके लिए एक क्या बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट देने के लिए ये एक आर्च बनाया गया है। और ये आर्च जो है, यहाँ से इतना अच्छा व्यू है, लैंडस्केप एकदम क्लियर है, सामने आपको बर्फ दिखेंगे, मतलब ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अभी हम रोड से गुजर रहे थे तो हमारा जो टूरिस्ट गाइड है उसने बोला कि ये स्पॉट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे फोटो भी अच्छे आएंगे। तो हमने सोचा चलो यार रुकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड है। देखो मैंने अंदर कपड़े पहने, उसके ऊपर ये जैकेट है, उसमें भी मुझे ठंडी लग रही थी। तो हमारे जो भाई थे डेविड भाई, जो हमारे टूरिस्ट गाइड है, उन्होंने अपने घर गए, वहाँ से उन्होंने अभी अपने खुद के जो गर्म कपड़े हैं वो लेके आए, फिर भी हमें ठंडी लग रही है। मतलब अगर आप आर्मेनिया आ रहे हो तो ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे बहुत ठंडी होगी। देखो मेरे हाथ भी कांप रहे, वीडियो भी सही से नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बना रहा हूँ। मतलब आपको ये व्यू देखने के बाद इतना मस्त लगेगा ना, मैं क्या बोलूँ आपको, सच में अमेजिंग। आर्मेनिया में एक टेम्पल है जिसका नाम गार्नी टेम्पल है। अब ये टेम्पल की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, मैं वो स्टोरी भी आपको बताता हूँ, ठीक है। हुआ ये कि यहाँ पे ये जो टेम्पल है ये पेगन टेम्पल है। पेगन टेम्पल मतलब क्या होता है कि जो नेचर की वर्शिप करते हैं उनका टेम्पल है। वैसे तो जो आर्मेनिया है वह क्रिश्चियन कंट्री है, तो क्रिश्चियनिटी के पहले, मतलब क्रिश्चियनिटी यहाँ पे 3rd century में आई, उसके पहले यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे पेगन्स की पूजा की जाती थी। सो उसमें से ऐसा था कि जो सूरज देव है, सूर्य देव, उसको यहाँ पे आर्मेनियन में मेहर बोलते हैं। सो दे यूज टू वर्शिप देम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रसार हुआ और उसके बाद उन्होंने ये जो टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर से जब सोवियत यूनियन आए तो उन्होंने फिर से इसको रिबिल्ड किया। तो ये टेम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, ये ग्रीक लोगों ने भी बनाया था। तो ये टेम्पल हम अंदर से देखेंगे, सूर्य देवता का टेम्पल कैसे होता है वो भी देखेंगे, और इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी देखेंगे। तो अभी ये जो टेम्पल है इसके बारे में और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो टेम्पल है, ये इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो ग्रीक का जो स्ट्रक्चर है, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये जो टेम्पल है वो ग्रीक लोगों ने ही बनाया था। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें जो स्क्रिप्चर लिखा गया है वो भी ग्रीक में ही है। इसका रीज़न ये है कि जो आर्मेनिया की जो लैंग्वेज है, यानी कि उनका जो स्क्रिप्चर है, वो 3rd century के बाद ही डेवलप हुआ। तो उसके पहले तो यहाँ पे कोई उनका खुद का स्क्रिप्चर नहीं था, तो ग्रीक लोगों का जो स्क्रिप्चर था वो यहाँ पे यूज किया जाता था। और ये जो प्लेस है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गार्नी प्लेस है, इसको गार्नी नाम क्यों मिला, क्योंकि गार्नी का मतलब आर्मेनियन में होता है भेड़ बकरियाँ, जो अपने लैम्ब होते हैं ना उसको ये लोग गार्नी बोलते हैं। तो इस एरिया में बहुत सारे भेड़ बकरियाँ थी, इसके वजह से इस एरिया का नाम गार्नी पड़ गया। और इस टेम्पल के अंदर एक ऐसा फ्लैट बेड है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उस बेड पे बकरी जो होती है उसका सेक्रीफाइस किया जाता था। मतलब अपने इधर जो बलि होती है वैसे ही यहाँ पे भी वो प्रथा थी। तो आप ये जगह देखोगे, ये स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो मेरे पीछे ये जो माउंटेन दिख रहे हो, जो व्हाइट व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, जिसके ऊपर अभी बर्फ है, वो एक क्लोज एनवायरनमेंट था, जिसके वजह से यहाँ पे नेचर से भी उनको थोड़ा बहुत राहत मिलता था, या फिर जो इन्वेडर्स है उनसे भी उनको प्रोटेक्शन मिलता था। इसलिए ये जो एरिया है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो इसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे इस प्लेस को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जहाँ पे भेड़ बकरियों की बलि दी जाती थी वो ये प्लेस है। हमारे गुरुगेट ने बताया कि ये फ्लैट भेड़ के ऊपर पहले वैसे होता था, अभी वो नहीं है। तो टेम्पल वैसे छोटा ही है, तो ये सूर्यदेव का टेम्पल ऐसा था उनका। और अंदर आप देखो कोई भी मूर्ति ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पेगम जो थे वो उनका जो कल्चर था वो ऐसे ही था, जिसमें कोई मूर्ति पूजा ऐसी नहीं थी। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो कॉलम्स है, ये देखो ये जो कॉलम्स है ऐसे कॉलम्स है, यहाँ पे टोटल 24 कॉलम्स है। तो जो गाइड है उसने हमें बताया कि ये 24 कॉलम जो है वो 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्सो ये जो कॉलम्स है 24, ये ग्रीक में 24 नंबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये कॉलम 24 है। और एक चीज़ मैंने देखी कि जो मैंने बोला था कि ये ग्रीक के रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्टली ओनली द ग्रीक, बिकॉज 2000 साल में यहाँ पे बहुत सारे इन्वेजन हुए हैं। यहाँ पे टर्किक लोग आए हैं, अरबिक लोग आए हैं, सो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके गए हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निशान आपको दिखेगा। तो ये सब है इधर, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है एंड इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब आप आर्मेनिया में आते हो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। तो कार्नी टेम्पल के बाद अभी हम आए हैं सिम्फनी ऑफ स्टोन। ये अलग ही लेवल का नेचर का करिश्मा है, मतलब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ अभी आपको। ये देखो अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, स्टोन की जो डिज़ाइन है वो बहुत ही यूनिक है। इसके पीछे एक स्टोरी ये है कि बहुत साल पहले, थाउजेंड्स ईयर्स है, वो यहाँ पे ना वोल्केनो का इरप्ट हुआ था। उसके बाद उसका वोल्केनो से जो ज्वालामुखी निकलता है वो हवा में चला गया। उसके बाद क्लाइमेट सडनली इतना कोल्ड हो गया कि वो जम गया और उसके स्टोन बन गए। तो ये जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ही यूनिक और अमेजिंग है। शायद मैं ये वीडियो में आपको उतने अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अब आप जब यहाँ पे आओगे तो आप एकदम मिसमराइज हो जाओगे कि यार ये कितनी अमेजिंग डिज़ाइन है, कितना अच्छे से नेचर ने ये बनाया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आर्मेनिया में आज हम आ चुके हैं गेगार्ड मॉनेस्ट्री के अंदर। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो गेगार्ड मॉनेस्ट्री है, और आपको ये देखने के बाद थोड़ा सा एक इंडिया का स्ट्रक्चर है उसके जैसा लग रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कहाँ का लोकेशन लग रहा है। पीछे बर्फ है, फिर एक टेम्पल जैसा भी लग रहा है। तो ये गेगा मॉनेस्ट्री है, इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। और यहाँ पे देखो स्नोफॉल भी हुआ है, बहुत ठंडी लग रही है। मैंने कोट पहना है, उसके ऊपर जैकेट है, फिर उसके ऊपर कैप है, फिर भी बहुत ज्यादा ठंडी है। तो अभी हम आ चुके हैं गेगा मॉनेस्ट्री के अंदर। यहाँ पे एक यूनिक कंसेप्ट है, ओके, आप इसको सुपरस्टिशियस बोले या कुछ भी बोले, यहाँ पे पत्थर लेना है और ये जो पहाड़ है इसके अंदर एक ऐसी गैप है। अगर ये पत्थर मैं कुछ विश करके ऊपर डालता हूँ और वो वहाँ पे अटक गया तो समझ लो कि आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी, ओके। सो नाउ आई एम ट्राइंग, अभी मैं विश कर रहा हूँ, नाउ आई एम ट्राइंग, ओके, विश में लगो, ओके। नो नो लक। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो क्रिसमस ट्री। हम क्रिसमस ट्री तो हर जगह पे यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे कैसा है, क्रिसमस ट्री में स्नो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉपर क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री के ऊपर स्नो है। तो ये नज़ारा देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। और बर्फ भी अभी शायद फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, तो एकदम मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी मेरे पास वर्ड नहीं है। मैंने तो स्नोफॉल बहुत कम बार एक्सपीरियंस किया है, दिस इज माई सेकेंड टाइम, लेकिन ये बहुत ही यूनिक है और इसका मतलब बहुत आर्किटेक्चर भी अच्छा है। अभी अंदर जाके भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, कैसा है, सब देखेंगे। अभी हम है ना चर्च के अंदर आ चुके हैं। ये चर्च जो बनाया था इसको मोनेस्ट्री बोलते हैं, ये 3rd century में या 4th century में बनाया गया था, और ये बहुत ही गाइगेंटिक है। और यहाँ पे ना शायद आपको अंधेरे में उतना अच्छे से पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका आर्किटेक्चर जो है, कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत यूनिक है। मतलब इसका जो बाकी के चर्च है उसके कंपेरिजन में बहुत अलग है। और यहाँ पे ना एक स्प्रिंग है, मतलब एक पानी का झरना है जो ऊपर माउंटेन से आता है, और ऐसा बोला जाता है कि ये जो पानी है वो बहुत ज़्यादा होली है। तो बहुत लोगों की लाइन रहती है, और आप समर में आओगे यहाँ पे एक एक घंटा आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि लोग वो बॉटल में पानी लेके जाते हैं। जैसे हम लोग गंगा के लिए जाते हैं तो गंगा का वाटर हम लेके आते हैं पवित्र पानी बोल के, वैसे ही कुछ सीन इधर है। तो वो भी हम देखेंगे, तो वो देखते हैं, और उसके बाद और क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो, सो ये जो चर्च है दिस इज द यूनिक चर्च, ओके। ये चर्च इन्होंने कैसे बनाया, इसमें दो पार्ट है, ओके। एक पार्ट जो है जो मैन्युअली पत्थर लगा के बनाया है, और जो उसका अंदर का जो पार्ट है वो इन्होंने एक स्टोन में कार्व किया है। जैसे अपना अर्जेंटा विरुल का जो टेम्पल है वो कैसे स्टोन में कार्व किया है, सेम इन्होंने चर्च एक साइड से कार्व किया है, और उसका जो फ्रंट एंड है वो उन्होंने बनाया है।
और इसमें भी आप अंदर कार्विंग भी है, मतलब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का कार्विंग है, जॉर्जियन क्रिश्चियन का कार्विंग है, तो ये एक यूनिक डिफ्रेंसिएशन है। और हमारा जो गाइड है उसने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में बताई है। तो ये अपने आप में एक नॉलेज सेंटर है, अगर आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है या फिर आपको ये टेम्पल के स्ट्रक्चर के सॉरी चर्च के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो ये बहुत ही अच्छा मॉनेस्ट्री है, यहाँ पर ज़रूर विजिट करिए। जो मैं आपको वाटर बता रहा था जो ऊपर पहाड़ों से आता है और लोग ये भरने के लिए लाइन में रहते हैं, ये जो वाटर है, हम लकी है आज यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ से पानी हम भर के लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आर्मेनिया में से हमारा पहला दिन। तो पहले दिन हमने आर्मेनिया में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हमने ट्राई की, फूड आइटम्स ट्राई किए, नए नए कल्चर के बारे में हमें पता चला। तो अभी इसके बाद भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं क्योंकि आर्मेनिया का सफ़र अभी शुरू हुआ है और भी बहुत कुछ हमें देखना बाकी है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे थे नमस्ते हबीबी।